गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पहली बार विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने मुंह खोला और पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाई। ऋचा ने कहा कि पुलिस ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया था और जब इस्तेमाल कर लिया तो उसको खत्म कर दिया। विकास के मारे जाने के बाद पहली बार ऋचा दुबे मीडिया के सामने आई। इस दौरान ऋचा ने कहा कि उसे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, उसे उम्मीद है कि उसके पति के साथ न्याय होगा। ऋचा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी बिकरू गांव में लंच और डिनर किया करते थे और रात को वहीं सोया भी करते थे। मेरे पति ने पुलिस वालों की बहुत सेवा की थी और पुलिस ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें खत्म कर दिया। ऋचा ने कहा कि उसे संविधान पर भरोसा है और न्याय की जीत होगी। ऋचा ने उस रात की कहानी भी बताई। ऋचा ने कहा कि बिकरू गांव में जिस रात यह घटना घटी थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उस रात 3 जुलाई की सुबह तड़के 2 बजे उसके पति विकास ने उसको फोन किया और ऋचा से कहा कि वह तुरंत लखनऊ वाले घर से भाग जाए क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई और एक मित्र के यहाँ शरण मिली। ऋचा ने कहा कि उन्होंने मुझसे अंतिम बार यही बात कही थी कि लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ और इसके बाद मुझे जो भी जानकारी मिली वो सिर्फ मीडिया के जरिए ही मिली। हालांकि ऋचा ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसे शरण कहाँ मिली थी। साथ ही ऋचा ने विकास की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उनके पति उतने क्रूर नहीं थे जितना कि उनको पेश किया जा रहा है। उसने कहा कि वह अपराधी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ख्याल रखने वाले पिता और पति थे। वे अपने दोनों बच्चों से काफी प्यार करते थे और हर महीने मुझे घर का 40,000 का खर्चा भेजते थे। मेरा बड़ा बेटा शांतनु रूस में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, जबकि छोटा बेटा आकाश लखनऊ में पढ़ रहा है और उसने 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। ऋचा ने कहा कि विकास मेरे लिए ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए देवता थे और उनके हर सुख दुख में काम आया करते थे। ऋचा आगे कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस रात बिकरू में क्या हुआ था। मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है। ऋचा ने कहा कि विकास दुबे उनके भाई राजू निगम का काफी अच्छा मित्र था, दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी और उसी दौरान मेरी विकास से मुलाकात हुई। ऋचा बताती है कि हमारी मुलाकात 1990 में हुई और मेरे भाई ने ही हम दोनों की शादी कराई थी। हालांकि ऋचा के भाई का कहना है कि ये शादी विकास ने जबरदस्ती की थी। ऋचा का कहना है कि विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद किया करते थे और लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे और बिकरू में वो बहुत अच्छा फैसला करते थे और उनके शब्द ही अंतिम शब्द होते थे। ऋचा आगे कहती है कि गांव की राजनीति की वजह से विकास दुबे ने 2004 में लखनऊ में घर बनाने का निर्णय लिया था ताकि उसके बच्चे स्थानीय राजनीति और गंदगी से दूर रहे। उसने कहा कि वह चाहते थे कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिए। इस दौरान ऋचा ने अपनी सास सरला देवी के साथ ऐसे संबंधों पर भी बात की। उसने कहा कि विकास दुबे हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। यदि कोई व्यक्ति मेरी सास या ससुर के सामने जाकर कोई विनती करता तो विकास उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। यानी ऋचा दुबे ने विकास दुबे की जमकर तारीफ की है, साथ ही न्यायपालिका पर भी भरोसा जताया है। हालांकि इससे पहले गंगा के किनारे भैराव घाट पर गैंगस्टर की पत्नी ने मीडिया को ही धमकी दे दी थी। वो मीडिया देखकर ही भड़क गई थी और उसने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी बंदूक उठाएगी। हालांकि अब ऋचा दुबे काफी संतुलित नजर आ रही है और किसी भी तरह की हिंसा की बात से इनकार करती है। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर घटना की एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।